हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज भी आप लोगों के लिए इसरो का पेपर एनालिसिस में लेके आया हूँ। आप यहाँ आए हैं इसका मतलब है कि आप में कंसिस्टेंसी है और आप प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं। यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कुछ गीता का ऐसा शब्द है जो मैं आपके लिए आज भी लेके आया हूँ और जिसके बारे में आपका जानना जरूरी है। अर्जुन भी कभी निराश हुआ था और उनके गुरु ने उनको ज्ञान दिया, शिक्षा दिया, जिसके बाद वो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो वैसा ही कुछ ज्ञान है। हालांकि मैं संस्कृत ज़्यादा नहीं जानता, फिर भी आप लोग अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्जुन जब गांडीव को नीचे रख देता है, जब वो मान लेता है कि अब उससे कुछ नहीं हो पाएगा, जैसे हम लोग अपना किताब कॉपी नीचे रख देते हैं, नहीं पढ़ने का सोचते हैं, उस समय जो श्री कृष्ण का उत्तर था, वही उत्तर यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसे विषम परिस्थिति में निराश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। निराश होकर के भी आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अपने आप को आत्मशक्ति से भरिए और फिर से उठ के खड़े होकर के काम करने का सोचिए। इसरो का जो 2008 का पेपर है, पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि 2008 का पेपर का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। या इधर आप अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि पेपर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, साइड में छोटा सा बार है हालांकि, लेकिन पेपर उसमें अच्छे से आपको डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन देखिए, इसमें पेंसिल चल रहा है कि इस क्वेश्चन में जो भी चीज़ें अंडरलाइन किया जा रहा है वो सब वो कॉन्सेप्ट है जो मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे नहीं आता है। मुझे जो चीज़ें नहीं आता है उसे मैं कहाँ नोट करूँगा, कॉन्सेप्ट बार में, कॉन्सेप्ट विंडो में। और सबसे पहले जब मैं अपना बुक लेके बैठूंगा, पढ़ने के लिए लिखने के लिए बैठूंगा, तो सबसे पहले मैं उसी को सॉल्व करूंगा, उसी को समझूंगा। इधर साइड में देखिए, कॉन्सेप्ट विंडो में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में है, यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में है, उस चीज को मैंने यहां पर नोट कर लिया है। आपको भी इसे ऐसे ही नोट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप लोग? ऐसे ही आपको धीरे 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 नोट करते करते एक एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। यदि आप इस तरीके से इसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। हालांकि टफ ये कई मायने में हो जाता है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन आपको चीजें समझ में नहीं आती है। ऐसा सिचुएशन जब भी आता है तो आप स्वयं का या NPTEL का लेक्चर फॉलो कर सकते हैं, वो बहुत ही कारगर है। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसको जब आप ध्यान से देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मैं मान के चल रहा हूँ कि वो मुझे बिल्कुल नहीं आता है। अब जो चीज़ मुझे नहीं आता है पहले तो मैं उसे पढ़ूंगा और उसे सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा। सॉल्व करने की कोशिश करने के बाद भी यदि वो मेरे समझ में नहीं आता है तो फिर उसका एक ही मतलब इलाज है, इलाज मतलब डॉक्टर का इलाज, ठीक है? डॉक्टर क्या करता है कि आपका यदि तबीयत खराब है तो सबसे पहले वो आपका चेकअप करवाता है, टेस्ट करवाता है। यहां भी वही चल रहा है। हमने क्या किया, उस कॉन्सेप्ट का नाम कॉन्सेप्ट विंडो में लिख लिया। आइए दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे ही थोड़ा सा और फोकस करके देखते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही आप चूज करें या उसको ही पढ़ें। ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन के आंसर्स जो गिवेन है उसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है। जैसे सेकेंड नंबर का क्वेश्चन का जो पहला कॉन्सेप्ट था टोरसाइट, चलिए हमें नहीं पता उस चीज के बारे में, हमने उसको न्यू कॉन्सेप्ट में लिख लिया। नेक्स्ट है हमारा, उसी में आगे देखिए कि क्वेश्चन के आंसर में दिया हुआ है क्वेंचिंग स्टील, तो क्वेंचिंग क्या होता है ये हमें नहीं पता। क्वेंचिंग कैसे होता है, क्यों होता है, इस चीज के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। कितना डिग्री टेम्परेचर पे होता है हमें नहीं पता है। एलॉय स्टील आर रैपिडली क्वेंचेड इन वाटर क्या होगा, तो हमें ये सब चीजें नहीं पता है। तो हमने क्या किया कि यहां से क्वेंचिंग को उठाया और अपने डिस्प्ले पे देखिए, और मैंने उसे कहां पर नोट कर लिया, न्यू कॉन्सेप्ट में, बिल्कुल
यहाँ पर नोट करने के बाद अब फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चंस इसमें आपको थोड़ा कम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसका लेंथ काफी ज्यादा हो ना हो जाए, इसीलिए इसमें क्वेश्चन को कम रखा गया है। ये एक तरह से ऐसा समझिए कि ये एक रेफरेंस है, ताकि आप इन चीजों को आसानी से पकड़ सकें। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन आते हैं, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है इंडक्शन हार्डनिंग इज द प्रोसेस ऑफ, इंडक्शन हार्डनिंग इज द प्रोसेस ऑफ, किस चीज का प्रोसेस होता है इंडक्शन हार्डनिंग। तो मुझे इंडक्शन हार्डनिंग नहीं पता कि इंडक्शन हार्डनिंग क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज हमें नहीं पता है। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, इसको हम नोट कर लेंगे। यहां पर देखिए साइड में आपको अपने डिस्प्ले पे दिखेगा कि मैंने उसको क्या कर लिया है, नोट कर लिया है। यहां पर देखिए, और इस ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। जब गूगल पे या कोई भी स्टडी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट है या जो कुछ भी है, तो जब वो चीज हम फॉलो करेंगे, उस चीज को ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो उससे रिलेटेड जो जो कॉन्सेप्ट है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कॉन्सेप्ट, उसको हम उसमें क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। यहां पर आप देखिए, आपको आंसर बार भी दिखेगा। ये आंसर बार भी सेल्फ इवेल्युएशन पेपर के लिए है, और इसे हम खुद से डेवलप कर सकते हैं। आंसर बार इसीलिए हम लोग डेवलप करते हैं, ताकि जब क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हो तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर आप अपने डिस्प्ले पे देखते रहिए, तो उस नंबर के आगे डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं, और लास्ट में चेक कर सकते हैं कि कितना हमारा प्रतिशत आंसर सही था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैवी वाटर इज यूज्ड इन एटॉमिक पावर प्लांट्स एज, जो हैवी वाटर होता है वो एटॉमिक पावर प्लांट्स में किस रूप में यूज होता है, या क्यों यूज होता है, उसका रोल क्या है, क्या काम करता है वो, इन चीजों के बारे में यहां पर पूछा गया है। तो हैवी वाटर के बारे में, चलिए ये भी मुझे नहीं पता कि हैवी वाटर क्या होता है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, गूगल करूंगा। आप भी समझदार हो, आप भी गूगल करोगे, या नहीं तो कोई वीडियो लेक्चर फॉलो करोगे। एक चीज और मैं यहां पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन या उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मैं सेंड कर दूंगा। तो मैंने हैवी वाटर को लिख लिया आपने न्यू कॉन्सेप्ट के स्पेस में, और आप तो जान ही गए होंगे कि जब मैं दोबारा रिवीजन करूंगा तो उस चीज को मैं फिर से देख। आइए क्वेश्चन नंबर 3-4 का, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका जरा हम लोग आंसर को ये कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि उसका आंसर में क्या क्या है। सपोज डेट उसके आंसर में हमें मिल गया एक कॉन्सेप्ट जो मुझे नहीं आता था। ऊपर ही हमने इसके बारे में बात किया था कि जो आंसर आपको नहीं आता है उस आंसर को भी सर्च कर लेना है। जैसे मॉडरेटर इसके आंसर में है, और ये मुझे नहीं पता कि मॉडरेटर क्या होता है, हालांकि लुब्रिकेंट सब पता है, लेकिन मॉडरेटर मुझे नहीं पता, तो कोई टेंशन का बात नहीं है। तो मॉडरेटर को मैं क्या करूंगा, अब अपने न्यू कॉन्सेप्ट में लिखा और आगे मैं उसे पढ़ लूंगा। हम लोग का जो नया क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करें, तो विच वन इज नॉट द पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए, विच वन इज नॉट द पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। यहां पर साइड में देखिए, आपके क्रॉपिंग मोड में डिस्प्ले पे क्वेश्चन भी डिस्प्ले हो रहा होगा, वहां पर आप देख सकते हैं। तो इसमें जो इसका जो आंसर्स है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, सारा का सारा आंसर सब्जेक्टिव है, ठीक है, जो भी इसका आंसर है वो सबका सब सब्जेक्टिव है। और इस क्वेश्चन में एक चीज जो मुझे नहीं समझ में आया, इस क्वेश्चन में जो मुझे एक चीज नहीं समझ में आया, उस चीज को मैंने नोट कर लिया, हीट ट्रीटमेंट, और इस हीट ट्रीटमेंट को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनते रहिए और समझते रहिए कि इसमें आखिर चल क्या रहा है।
क्योंकि इसमें यदि आप कहीं किसी पॉइंट को स्किप करने का यदि कोशिश करेंगे तो समझना थोड़ा सा टफ हो जाएगा ये चीज। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए कि चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ स्टील ऑन द सरफेस, ये इसका पहला आंसर है और इसके साथ साथ इसका और 4 आंसर है। खैर आंसर डिस्प्ले होगा, लेकिन पॉइंट यहां पे ये है जो बात करने का जो मोटिव है, जो आप लोग अभी तक ध्यान से देख रहे होंगे कि 1 से लेके 5 तक जो क्वेश्चन है ये सभी का सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और साथ ही साथ इसमें न्यूमेरिकल का कोई फंडामेंटल इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। इस क्वेश्चन का जो बात कर रहे हैं इसरो के पेपर का, इसमें यही सबसे ज्यादा फायदा होता है कि इसमें न्यूमेरिकल डेटा बहुत ही कम पूछा जाता है, इसीलिए इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत और इसे आप एकदम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो चौथा क्वेश्चन है रिमूविंग, चौथा आंसर जो है रिमूविंग, उसमें एक ये है कॉन्सेप्ट है जो समझ में नहीं आया मुझे, तो मैंने क्या किया उस कॉन्सेप्ट को अपने न्यू कॉन्सेप्ट विंडो में डाल दिया, वहां पे उसका इनपुट हो गया। तो जब भी मैं बैठूंगा पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं उसी को पढ़ूंगा। ध्यान दीजिएगा कि मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, बार बार इस चीज को रिपीट करने का मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप इस पॉइंट को समझ सके, ये कितना इंपॉर्टेंट है उस चीज को समझ सके। ठीक है, तो टोटल हमने 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और इन 5 क्वेश्चन में जो जो पॉइंट्स हमें नहीं आते थे उन सभी कॉन्सेप्ट्स को हमने न्यू कॉन्सेप्ट विंडो में लिख लिया। क्वेश्चन एक बार फिर से डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं, और ये सभी का सभी क्वेश्चन अभी हम भी जस्ट हम लोगों ने अटेम्प्ट किया है। इसमें से जो कॉन्सेप्ट नहीं आते थे उन्हें चुन के रख लिया। जरूरी नहीं है कि जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है सिर्फ उसी को चुन के रखें आप, इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये भी है कि जो कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको आता है लेकिन इम्पोर्टेंट है, फिर भी उसको भी एक बार अच्छे से पढ़ना जरूरी है, उस कॉन्सेप्ट को भी एक बार अच्छे से देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, स्ट्रांगली जरूरी है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे और जो आंसर शीट हम आप लोगों को दिखाए थे उसमें आंसर को पुट करते जाएंगे। आंसर को पुट करने के बाद लास्ट में जो हमारे पास आंसर शीट होगा, आप यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आंसर शीट भी उसमें होगा, तो उससे वहां पे टिक करेंगे, चेक करेंगे कितना सही बना है कितना गलत बना है। अच्छा एक चीज और देखिए, इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इधर ही अपना पूरा का पूरा फोकस इधर रखिए। देखिए ये जो सेल्फ इवेल्युएशन पेपर है इसके सबसे ऊपर देखिए डेट लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है और ऑब्टेंड मार्क्स लिखा हुआ है। डेट किस दिन आप इस चीज को शुरू कर रहे हैं वो डेट है, ये किस दिन आप बैठ करके इस चीज को पढ़ रहे हैं ये वो डेट है, जिस डेट में आप पढ़ने के लिए बैठे हैं ये वो डेट है। अब कितना रिपीट करूं, नेक्स्ट है टाइम, कितना देर आपने इस चीज को दिया है। जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में 24 घंटे में 20 घंटा ही बैठ के शुरू करें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप तो शुरू करना पड़ेगा आपको, एक एक स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए बात किया जा रहा है और बिल्कुल मैं वही समझाने का कोशिश कर रहा हूं जो आपके फायदे का है। नेक्स्ट देखिए, ऊपर में 3 डॉट दिख रहा है, 3 सर्कल दिख रहा है जिसमें मैंने तीनों में टिक लगाया है और नीचे में 3 बॉक्स है जिसमें मैंने डैश बनाया है। आप लोग ज्वाइन किए क्लास को, बहुत ही अच्छा लगा। यदि आप चाहते हैं लाइव क्लास ज्वाइन करना तो वो भी आप कर सकते हैं, टीचमिंट नाम का एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, और हमें आपको बस अपना एक इंक्वायरी सेंड करना है जहाँ से हम आपको उसमें ज्वाइन करवा देंगे। एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा चीज कि आप भले ही वीडियो देखें ना देखें, लेकिन जो आपका गोल है उस पर पूरी तरह से आप फोकस रहें। आप यदि अपने गोल पे फोकस रख पाएंगे, कर पाएंगे, तभी आगे चल करके रिजल्ट आपके पास आएगा।